कुमार पांडे एक बार फिर से आप सभी को चैलेंज स्टडी पॉइंट के यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। और आज प्रतिशत का मैं दूसरा पार्ट में लेकर आया हूं। जैसा कि एक टाइप बहुत ही प्रमुख टाइप है, कभी कहेगा कि वृद्धि हो जा रहा है तो कमी प्रतिशत ज्ञात करें, या कमी कहेगा तो वृद्धि ज्ञात करना है। काफी आसान तरीका से मैं बताऊंगा। आपके सामने क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की अगर वृद्धि कर दी जाए, चीनी के मूल्य में यदि 25% की वृद्धि कर दी जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाएगा, यह हमें बताना है कि क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में हम आसानी से इसे कर सकते हैं। वृद्धि कहे कमी कहे, अगर वृद्धि कहेगा तो कमी पूछेगा, अगर कमी कहेगा तो वृद्धि पूछेगा। तो वृद्धि कहे कमी कहे ऊपर लिख दीजिए। अगर वृद्धि कह रहा है, अगर वृद्धि कह रहा है तो 100 में जोड़ कर नीचे लिखेंगे, अगर कमी कह रहा है तो 100 में घटा कर नीचे लिखेंगे। तो वृद्धि 25% कह रहा है तो 25 ऊपर आने लेंगे और नीचे लिखेंगे 125, और गुणा में हो जाएगा 100। अगर हम इसे काटते हैं तो 25 पचे 125, 5 से कट जाएगा तो हो जाएगा 20, माने 20% कमी। जो आपका आंसर आया वो 20% कमी। पूछे कितना प्रतिशत कमी, तो 20% कमी। फिर से एक बार समझ लेते हैं, अगर कमी कहेगा तो वृद्धि पूछेगा, अगर वृद्धि पूछेगा दिया है तो कमी पूछेगा। तो यहाँ वृद्धि दिया हुआ है, वृद्धि 25% की वृद्धि कर रहा है, तो 25% वृद्धि करेगा तो 25 ऊपर लिखिए, वृद्धि कर रहा है तो 100 में 25 जोड़ दीजिए तो 125 हो गया, और साथ में गुणा में 100 कर दीजिए, इसको काट दीजिएगा तो काटने के बाद आ गया 20%, ये आपका उत्तर हो गया। अब चलते हैं इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो अधिक दिया है और कम पूछ रहा है तो क्या कीजिएगा, अधिक दिया है और कम पूछ रहा है तो क्या कीजिएगा, तो 20 ऊपर पूछ रहा है, 20% अधिक दिया है और कम ही पूछ रहा है तो 20 ऊपर लिखिए, नीचे कितना लिखिएगा 120 और गुणा में 100, एक काट दीजिएगा कितना मतलब 6 मतलब, या काटिएगा 3 और यहां पर जाएगा 50, कितना हो गया 50/3 माने 16.2/3 प्रतिशत आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस वही जहां देखिए कि इतना प्रतिशत अधिक दिया है और इतना कम ही पूछ रहा है, अगर वृद्धि प्रतिशत दिया है और कम ही प्रतिशत पूछ रहा हो तो कुछ नहीं कर रहा है, या फिर कम ही प्रतिशत दिया हो और वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है तो वृद्धि या कमी ऊपर लिख देंगे, और बटा में अगर वृद्धि हो रहा है तो 100 में जोड़ कर, और कमी हो रहा है तो 100 में घटा कर हमेशा यहां 100 लिखेंगे, काट देंगे तो आ जाएगा 16.2/3%। अब इसी दौर में हम अगला क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं कि अगला इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही आपका, आप देख सकते हैं बहुत ही आसान, 10% अधिक है तो कितना कम है, 10% अधिक है तो कितना कम है, तो कितना कम है तो 10 है तो 10 रहने दीजिए, नीचे 110 है गुणा में 100, एक काट दीजिए हो जाएगा कितना 100/11 माने 9 × 1/11 प्रतिशत, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अधिक दिया है तो कमी पूछ रहा है, अगर कमी दिया रहता तो पूछता, कुछ भी कहे तो अधिक या कमी ऊपर लिखेंगे गुणा में 100 ऊपर ही रहेगा, और नीचे वृद्धि दिया है तो 100 में जोड़ कर, कमी दिया है तो 100 में घटा, तो आपने देखा 10 ऊपर और वृद्धि कर रहा है, वृद्धि अधिक तो नीचे 110 गुणा में 100 काट दीजिए तो आगे 9 × 1/11 प्रतिशत, यह आपका हो गया। इसी टाइप के बहुत सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं, और इसी टाइप के अगले प्रश्न के दौर में चलते हैं, हर एक बार नए नए टाइप हम लोग लेकर आएंगे। अब इसमें भी देख लीजिए कि आप अपना से बना सकते हो, अपना से बनाने का प्रयास करो, वीडियो को थोड़ा सा जूम पुश कर दो, उसके बाद बनाने का प्रयास करो, मुझे आशा है कि आप बहुत जल्दी, एक मिनट नहीं लगेगा, इसमें 20 सेकंड के अंदर आप उत्तर बना सकते हो। कैसे, तो 40 वृद्धि कह रहा है तो क्या कीजिएगा, 100 में जोड़िए ना, 100 में जोड़िए तो क्या हो जाएगा 140, और गुणा में 100 हो जाएगा, यह कट जाएगा, यह 2 मर्तबे और यह 7 मर्तबे, कितना हो जाएगा 200 और बटा में 7, आप अगर गुणान तोड़ रहे हैं तो गुणान तोड़ दीजिए, 7 × 14 हो जाएगा, 7 × 14 856, 4/7 गुणान तोड़ने आता होगा, 7 × 14 हो गया, यहाँ बचा 6 0 60 हो गया, 856 बचा 4, तो 4 × 7 नीचे, यह टाइप आपका हो गया। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न, किसी भी टाइप, इस टाइप का कोई भी प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
दूसरा टाइप हम लोग लेकर आ गए। दूसरा टाइप में देखिए क्या है, अगर एक मैं पहले फार्मूला समझाऊं, कमी या वृद्धि कहेगा, अगर कमी कहेगा तो माइनस लगाएंगे, वृद्धि कहेगा तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ यह कह रहा है कि 30% की वृद्धि, तो 30% की वृद्धि कह रहा है तो प्लस में क्या 30, कमी कह रहा है कितना 20%, तो कमी कहेगा तो माइनस। और यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ से प्लस माइनस माइनस, अगर दोनों माइनस रहता तो प्लस हो जाता, लेकिन प्लस माइनस मिलकर माइनस, जो आपने यहाँ लिखा है उसको ऊपर लिख दीजिए और बटा में हमेशा सॉल्व कर दीजिए। फिर से एक बार इस टाइप को समझ लीजिए, अगर दोनों कमी होता तो दोनों में माइनस लगता, अगर दोनों वृद्धि करता दोनों में प्लस लगता, लेकिन एक वृद्धि और एक कमी कर रहा है तो वृद्धि के पास प्लस लगेगा और कमी के पास माइनस लगेगा। और यहाँ देखिए प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाता है माइनस, और दोनों को गुणा में ऊपर लिखेंगे बटा में 100, और इसको काट दीजिए 0 से 0, 0 से 0 कट गया, यह हो गया कितना 10 माइनस 3 गुणा 6 4%। और ये प्लस में आया है तो प्लस में आया है तो क्या वृद्धि हुई, पूछ रहा है वृद्धि हुई या कमी हुई, तो क्या हुई वृद्धि हुई, क्यों भाई क्योंकि यहाँ पर प्लस में आ रहा है इसलिए क्या होगा वृद्धि होगा, अगर माइनस में आ रहा होता तो क्या होता कमी होता। आपने इस बात को समझ लिया है। इस टाइप के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का होगा, इसी टाइप का, तो प्रीवियस टाइप आपका दिखाई दे रहा है कि 30% वृद्धि तो कितना का कमी किया जाए, तो आप क्या करेंगे, आपको बताया गया है आप अपना से बना सकते हो 30 ऊपर नीचे 130 और गुणा में 100। ये फर्स्ट टाइप का है कि 30% अधिक है तो 30 ऊपर अधिक है तो 100 में जोड़कर 30 130 हो गया गुणा में 100, और एक काट दीजिए इसको कितना हो गया 300/13, बस आप गुणा में जोड़ दीजिए आ जाएगा आंसर, क्लियर है। तो आपने समझा क्या, आपने फर्स्ट टाइप जो समझा है कि वृद्धि का किया जाए या कमी किया जाए, अगर वृद्धि पूछेगा तो कमी, कमी कहेगा तो वृद्धि, और कमी या वृद्धि कहेगा तो ऊपर लिख दीजिए और बटा में कमी कह रहा है तो 100 में से घटाइए, अगर वृद्धि कह रहा है तो 100 में जोड़िए, लेकिन यहाँ हमेशा गुणा में 100 लिखिए। हम लोग जो दूसरा टाइप पढ़े हैं उस पर भी सवाल मिलेगा, हम देखते हैं सातवां नंबर सवाल, ये 6 सवाल हम लोग देख लिए, फिर वही अपना से बनाइएगा, मैं नहीं से बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप जानते हो इसे आप बहुत जल्दी हल कर सकते हो, 10% अधिक है कितना कम है, तो वही बात नीचे 110 अधिक है तो गुणा में 100 काट दीजिए, 100/11 आ गया, गुणा तोड़ दीजिए, गुणा तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा ना, मतलब फर्स्ट टाइप वाला ही क्वेश्चन है। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ यह देखिए यह भी वही है क्वेश्चन कि आप घर पे बनाइएगा, आप प्रयास कीजिएगा, यह 33 × 1/3% है, तो 33 × 1/3% है वृद्धि किया जाए तो कमी पूछ रहा है, तो कमी पूछ रहा है तो आप आसानी से कर सकते हो 33 × 1/3, यह गुना नहीं है, यह 33 × 1/3 है, इसे जब तोड़िएगा ना तो 3 में 33 से तो कितना आएगा भाई 99 आएगा, 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा 100 आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 100/3%। आपने सवाल में क्या पढ़ा है कि वृद्धि दिया है तो कमी निकालना है, तो वृद्धि कितना का है 100/3 का है, और आप जानते हो कि वृद्धि कर रहा है तो 100 में जोड़कर और गुणा में यहाँ क्या कर देंगे 100, बस आपको क्या करना है कैलकुलेशन कर लेना है, जो कट रहा है काट दीजिएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, या फिर देख लीजिए यहाँ यह 100/3 लगने दीजिए, बटा में जो है इसको तोड़िए, ये 300 और जो 100 कितना हो जाएगा 400 और बटा में हो जाएगा 3, अब गुणा में हो जाएगा 100, 3 से 3 कट जाएगा, और आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब पलटा है तो 100/400 और गुणा में 100 यह कट जाएगा, 4 से यह कटेगा 25, कितना प्रतिशत की कमी आ रहा है 25% की कमी आ रहा है, आप बना लिए। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें करना क्या है, कमी या वृद्धि कहेगा तो ऊपर लिखिए गुणा में 100 लिखिए, और बटा में वृद्धि कर रहे हैं तो 100 में जोड़ कर, कमी कर रहे हैं तो 100 में घटा कर दीजिए, बस आपका हो गया आंसर। इसके बाद देखिए चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 9वां नंबर क्वेश्चन, हाँ तो यह जो है यह पूर्णांक, यह पूर्णांक है, यह जो है गुणा में नहीं है, यह क्या है पूर्णांक है, 66 × 2/3 है, ये आपको बनाना है, यह वृद्धि है यह वृद्धि है, तो बस वही सूत्र लगा दीजिएगा कि वृद्धि प्लस में वृद्धि और प्लस वृद्धि गुणे वृद्धि और बटा में 100,
टाइप वाला सवाल आपने देखा होगा, आप फिर वृद्धि बटा में 100 या वृद्धि के जगह पर 66.2/3% रख लेना और इसके जगह पर क्या रख लेना 20, फिर इस दोनों को ऊपर गुणा के रूप में लिख देना और गुणा में 20 और बटा में 100, बस हम इसका कैलकुलेट कर देना होगा। कैलकुलेट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं इस टाइप इस चैप्टर का और आज की क्लास का अंतिम अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन भी वही है, खपत में वृद्धि और कमी की बात कर रहा है। या फिर से मैं बता दूं, यह पूर्णांक है 87.1/2 है। ठीक है, तो यहाँ देखो एक वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है, तो वृद्धि वाला में क्या लगाएंगे प्लस 87.1/2 और कमी के जगह क्या लगाएंगे माइनस, प्लस और माइनस में क्या माइनस 87.1/2 गुणा में 25 और बटा में 100 कर देंगे और कैलकुलेशन जो करेंगे वही आपका उत्तर आ जाएगा। मतलब आपने आज की क्लास में क्या समझा, आज की आपने क्लास में यही समझा, आपने आज की क्लास में यही समझा कि अगर दोनों वृद्धि में हो तो वृद्धि जोर वृद्धि, ठीक है, प्लस वृद्धि गुणे वृद्धि बटा में 100, दोनों कमी हो तो माइनस कमी, माइनस कमी प्लस कमी गुणे कमी बटा में 100, अगर एक वृद्धि और एक कमी हो तो प्लस वृद्धि माइनस कमी माइनस वृद्धि गुणे कमी बटा 100। यह वृद्धि और कमी से संबंधित सारे पॉइंट्स इससे क्लियर हो जाएंगे। और आपने फर्स्ट टाइम सीखा था कि वृद्धि पूछेगा तो कमी, अगर वृद्धि दिया है तो कमी पूछेगा और कमी दिया है तो वृद्धि पूछेगा। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो अगर मान लीजिए कि वृद्धि और कमी की बात किया जाए और वृद्धि और कमी पूछ रहा है, तो ऐसे समय में जब वृद्धि और कमी की बात किया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, तो ऐसी स्थिति में यही होगा कि वृद्धि कुछ अगर दिया है तो वृद्धि ऊपर लिखिए बटा में 100 में वृद्धि जोड़ दीजिए और गुणा में 100 कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अगर कमी कमी दिया है वृद्धि पूछ रहा है तो कमी ऊपर लिखिए बटा में 100 में से कमी घटा कर लिखिए और गुणा में 100 और कैलकुलेट कर लीजिए। आप इस वीडियो को अगर ध्यान से देखिएगा तो आपके दो टाइप इस प्रतिशत के क्लियर हो गए। और मैं लेकर आऊंगा अगले वीडियो में कुछ अन्य टाइप और अगले बार 5 टाइप्स को एक साथ समझाया जाएगा और उस टाइप को ऐसे ही टाइप समझाया जा रहा है जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइए कि और आपको बढ़िया से बढ़िया जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, वीडियो प्रोवाइड किया जा सके। और यदि आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो